seeing monsters at your window. No, you can't sleep, you pretend though. You don't have to play the hero. तो हेलो फ्री फायर लवर्स, तो कहते हैं आप सभी लोग, आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं आ चुका हूँ एक और न्यू के साथ एंड प्रीव्यू में आपने देख लिया आज हम किस टाइप की 3D माउंट एज क्रिएट करने वाले हैं। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, जो आपका ब्लेंडर है उसको आपको सिंपल ओपन कर लेना है। तो यहाँ पर आपको भाई क्यूब को डिलीट नहीं करना, क्यूब को रहने देना है। एंड अगर आपके सीन में क्यूब नहीं है तो आपको क्यूब ऐड कर लेना है। ऐड करने के बाद आपको क्या करना है, शिफ्ट ए प्रेस करना है एंड यहाँ पर आपको ले लेना है बेजियर कर्व। एंड यहाँ पर आप देख रहे थे कर्व आ चुका है, आपको सिंपल क्या करना है, टैप प्रेस करना है एंड यहाँ पर आप आ जाएंगे एडिट मोड में। तो भाई ये वाला जो पॉइंट है ना, ये आपको रखना है क्यूब की साइड पर, जहाँ पर आपका क्यूब होगा। तो भाई हमारा क्यूब इस साइड पर है, मैं इधर कर लेता हूँ अभी। तो यहाँ पर भाई आपको अपने अकॉर्डिंग कर्व का डिजाइन क्रिएट कर लेना है। जिस टाइप का भी आप डिजाइन क्रिएट करना चाहते हो, आपको सिंपल ई प्रेस करना है एंड आप इसके और पॉइंट क्रिएट कर सकते हो। एंड जब आप अपनी कस्टम शेप कर लोगे, उसके बाद आपको बैक आ जाना है ऑब्जेक्ट मोड में। तो भाई जब आप कर्व की एक कस्टम शेप क्रिएट कर लोगे, उसके बाद आपको क्या करना है, जो क्यूब है उसको सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है पार्टिकल टैब पर एंड देन आपको यहाँ पर क्लिक करना है प्लस वाले ऑप्शन के ऊपर। एंड यहाँ पर भाई आपके क्यूब में पार्टिकल्स ऐड हो चुके हैं। अब आपको क्या करना है, जो कर्व है उसको सिंपल सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है फिजिक्स प्रॉपर्टीज के ऊपर एंड यहाँ पर आपको ले लेना है फोर्स फील्ड। एंड यहाँ पर ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा टाइप का, इसके ऊपर आपको सिंपल क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको ले लेना है कर्व गाइड। एंड अगर मैं अभी आपको प्ले करके दिखाता हूँ, तो जो हमारे पार्टिकल्स हैं ये फॉलो कर रहे हैं हमारे कर्व को, लेकिन सही से फॉलो नहीं कर रहे। इसके लिए आपको क्या करना है, कुछ सेटिंग्स को चेंज करना है। आप सेम सेटिंग को अगर फॉलो करना चाहते हो कर सकते हो, लेकिन मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा, आप सेटिंग को ऊपर नीचे करके देख लेना, मे बी आपको जो रिजल्ट होगा वो काफी अच्छा देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर भाई कर्व की सेटिंग देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर सबसे पहले जो टाइप आ रहा है इसके ऊपर आपको क्लिक करके इस वाले ऑप्शन के ऊपर आपको सिंपल क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको सिंपल स्क्रॉल कर देना है, आपको यहाँ पर सेटिंग्स देखने को मिल जाएंगी। यहाँ पर जो फ्रिक्वेंसी है इसको मैं थोड़ा सा इंक्रीज करके देखता हूँ, तो आई थिंक इतनी सही रहेगी। एंड ये सभी सेटिंग्स को आपको ज्यादा और कम करना है, मे बी आपको रिजल्ट काफी अच्छा देखने को मिल सकता है। एंड जो क्यूब का शेप है मैं अभी कम कर देता हूँ, काफी बड़ा है तो मैं यहाँ पर इसे छोटा कर देता हूँ एंड यहाँ पर कर देता हूँ। भाई जो अभी हमारे पार्टिकल्स आ रहे हैं ये सही से फॉलो कर रहे हैं हमारे कर्व को। एंड यहाँ पर ऊपर जो सेटिंग्स आ रही हैं इनको भी आप ऊपर नीचे करके देख सकते हो, मे बी आपको रिजल्ट और अच्छा देखने को मिल सकता है। तो इस सेटिंग को थोड़ा सा इंक्रीज करके देखते हैं। तो अभी हमारे जो पार्टिकल्स हैं ये सही से जा रहे हैं, पार्टिकल्स भाई हमारे ऐड हो चुके हैं एंड ये कर्व को सही से फॉलो भी कर रहे हैं। अब हमें इनमें ऐड करना है ग्लो वॉर्म, कैसे कर सकते हैं वो भी काफी इजी है। तो यहाँ पर आपको एक ले लेना है, शिफ्ट ए प्रेस करो, यहाँ पर आप ले लो यूवी स्फीयर या आइको स्फीयर आप ले सकते हो। मैं यहाँ पर आइको स्फीयर ले लेता हूँ, देन शेडिंग टैब में आ जाते हैं हम। एंड यहाँ पर भाई आइको स्फीयर को सिलेक्ट करके इसमें भाई हम ऐड कर देते हैं टेक्सचर। तो यहाँ पर भाई मैं ऐड कर देता हूँ सिंपल इमेशन वाला नोड एंड इसको मैं यहाँ पर कनेक्ट कर दूंगा आउटपुट वाली सॉकेट के साथ। एंड इसमें मैं एक रैंडम कलर चूज कर लेता हूँ एंड जो स्ट्रेंथ है मैं 20 दे रहा हूँ अभी के लिए, आप ज्यादा कम करके देख सकते हो। एंड ये तो नॉर्मल सेटिंग्स हैं, आपको पता होंगी, अगर नहीं पता तो आप मेरी दूसरी वीडियोस को जाके चेकआउट कर सकते हो। अब आपको क्या करना है, हमारा भाई जो ग्लोइंग ऑब्जेक्ट है ये रेडी है। आपको क्या करना है, जो क्यूब है उसको सिलेक्ट कर लो। सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है पार्टिकल प्रॉपर्टीज पर एंड यहाँ पर आपको स्क्रॉल करना है। आपको यहाँ पर क्लिक करना है भाई रेंडर वाला जो ये एरो आ रहा है इसके ऊपर आपको सिंपल क्लिक करना है। यहाँ पर जो रेंडर एज वाला ऑप्शन है इसके ऊपर आपको यहाँ पर सिंपल क्लिक करके यहाँ पर आपको ले लेना है ऑब्जेक्ट। एंड यहाँ पर एक ऑप्शन आ जाएगा ऑब्जेक्ट का, ये वाला जो पेन वाला ऑप्शन है इसके ऊपर आपको सिंपल क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जो भी ऑब्जेक्ट आपने जिस ऑब्जेक्ट में ग्लो एड किया है एंड पार्टिकल आप बनाना चाहते हो उसके ऊपर आपको जाकर एक बार क्लिक कर देना है। तो भाई जो हमारे ये पार्टिकल्स हैं इनका स्केल काफी बड़ा आ रहा है, तो इसे आप छोटा कैसे कर सकते हो। तो यहाँ पर पार्टिकल प्रॉपर्टीज में आपको जो सेटिंग्स देखने को मिलनी है ना, यहाँ पर आपको एक सेटिंग देखने को मिल जाती है स्केल की, इसको आपको यहाँ पर कम कर देना है। एंड जो स्केल रैंडम है इसको आपको फुल कर देना है। तो जो आपके पार्टिकल्स होंगे इनका जो साइज होगा वो रैंडम होगा, बड़े और छोटे होंगे। अगर मैं अभी आपको रेंडर व्यू को चेंज करके दिखाता हूँ तो आप यहाँ पर देख सकते हो, तो हमारे पार्टिकल्स कुछ इस तरह जा रहे हैं। अगर आपको पार्टिकल्स और ज्यादा चाहिए तो आपको सिंपल क्यूब को सिलेक्ट करना है एंड यहाँ पर आपको नंबर देखने को मिल रहा है कि आपको पार्टिकल्स कितने चाहिए। तो मैं यहाँ पर दे देता हूँ भाई 5K। एंड जो अभी हमारे पार्टिकल्स होंगे ये काफी ज्यादा हो चुके हैं। तो यहाँ पर आपको और सेटिंग्स भी देखने को मिल रही है, तो आपको स्टार्ट फ्रेम कौन सा लेना है, एंड फ्रेम कहाँ तक लेना है, तो मैं अभी यहाँ पर 50 कर देता हूँ एंड मैं आपको एक बार फिर से प्ले करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमारे पार्टिकल्स हैं ये फ्रेम 1 से स्टार्ट होंगे एंड 50 फ्रेम पर एंड हो जाएंगे। तो ये काफी अच्छा लगता है देखने में। तो इस तरह आप क्रिएट कर सकते हो डिफरेंट पार्टिकल्स। एंड अगर आपको इनमें ग्लो या कलर चेंज करना है तो जो हमने आइको स्फीयर ऐड किया है इसको आपको सेलेक्ट करना है। शेडिंग टैब में जाके आप अगर इसका कलर चेंज कर दोगे तो जो आपके पार्टिकल्स हैं उनका कलर भी चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो एंड यहाँ पर आप डिफरेंट शेप क्रिएट करके
एक्स्ट्रा पार्टिकल्स को यूज कर सकते हो। अब बहुत सारे बंदे बोलेंगे भाई क्यूब को हम कैसे हाइड कर सकते हैं, तो काफी इजी है, क्यूब को सिलेक्ट करो। तो भाई इस तरह आप पार्टिकल से काफी अच्छी शेप क्रिएट कर सकते हो एंड काफी अच्छी अपनी 3D माउंटेजेस बना सकते हो। एंड इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को यार सब्सक्राइब कर देना और लाइक कर देकर, लाइक से मोटिवेशन मिलता है, और शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। मैं आपको मिलूंगा एक और न्यू वीडियो में। तो बाय फ्री फायर लवर। I'm too sad to say I'm sorry, so loud.